पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये हमारा इंडियन माइंड है साला, यही सिखाया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। हमारे यहाँ 90% माँ बाप के सिर्फ तीन सपने होते हैं, पहला डॉक्टर, दूसरा इंजीनियर, तीसरा गवर्नमेंट सर्वेंट। खुद के बच्चों के लिए तो ये सपने देखते हैं, तारी बॉलीवुड एक्टर और क्रिकेटर्स की करते हैं। यार कुछ लोग होते हैं कि जो भीड़ के साथ नहीं चलते हैं, वो अपना रास्ता खुद ही बनाना चाहते हैं। कामयाब तक पहुँचने का पढ़ाई एक जरिया है, पर एक बात जरूर याद रखना कि एक लौता रास्ता नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस में कामयाब होना चाहते हैं। अगर आपका कोई सपना क्रिकेटर और एक्टर, पढ़ाई के दम पर आप वहाँ पर नहीं पहुँच सकते। बात को समझो, एक छोटा बच्चा था, उसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, पढ़ाई में अच्छा ही नहीं था, तो पढ़ाई से ज़्यादा खेल कूद में ज़्यादा मज़ा आता था। एक दिन इसे अपने सब्जेक्ट में फेल हो गया। इसको पता था इसको घर पे मार पड़ेगी, इसने पूरा जो भी है डर सारा निकाल दिया था। घर पे जब वो पहुंचा तो उसने अपने माँ बाप को न्यूज़ दी, वो फेल हो गया। उनका पेरेंट्स ने उससे पूछा, बेटा ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं? तो इस बच्चे ने बोला अपने पेरेंट्स को कि पापा मैं खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। चल घर पर, ये बंदा स्पोर्ट्स में नहीं बॉलीवुड का खिलाड़ी ज़रूर बन गया, जिनको आज हम अक्षय कुमार के नाम से जानते हैं। उनके पापा हमेशा कहते थे लाइफ में सक्सेस हमेशा मार्क्स की वजह से नहीं, डिसिप्लिन की वजह से आती है, जिसके अक्षय कुमार एक लाइव एग्जांपल है। और शायद इसीलिए स्कूल के बाद वो कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए, डिसीजन में उन्होंने अक्षय का साथ दिया। एंड टुडे दे नेशनल अवार्ड विनर। दोस्तों रियल लाइफ का सक्सेस की मार्कशीट देख के नहीं, का हार्ड वर्क, आपका डिसिप्लिन देख कर आता है। याद रखना रियल लाइफ किताबी दुनिया से काफ़ी अलग होती है।